नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में। और आज यहां श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी यहां पे पेरेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ जो है पेरेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये भव्य बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी पीछे, श्री कृष्णा स्कूल लगातार जो है ऐसी पीटीएम के आयोजन और जो भी कल्चर एक्टिविटी हो या फिर इवेंट्स हो, इस तरह के काफ़ी लगातार जो है बार बार देखने को मिलते हैं और ये लगातार इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं। और ये देखिए रंगोली वगैरह यहाँ पे इन बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखी है। और पहले ताऊ जी से पूछते हैं, ताऊ जी आप यहाँ पे आए हैं, बच्चे पढ़ते हैं आप? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो कृष्णा स्कूल में बच्चे कितने साल से पढ़ रहे हैं? यहाँ से 10 साल से पढ़ रहे हैं। 10 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी। क्या सोच के बच्चों को यहाँ पे डाला था? यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर हैं, बच्चे अच्छे नंबर लेके पास होते हैं। काफी विश्वास है इस स्कूल? हाँ, खूब पक्का विश्वास है जी। पक्का विश्वास है? हाँ पक्का है जी। जब भी आते हैं जी, बच्चों से मिल लिए, टीचर से मिल लिए, बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया रिजल्ट आया है? बहुत रिजल्ट बढ़िया आया है। देखिए काफी पेरेंट्स यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं, उनसे मैं थोड़ा सा मिलवाना चाहूंगा। नमस्ते मैडम जी, तो मिले हो टीचर से, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। कमी वगैरह तो नहीं है इसमें? नहीं, कुछ कमी नहीं है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? इधर से ही हूँ सर, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से आप? हाँ जी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? अभी तो 8 जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या अच्छा लगा इस स्कूल का आपको? अच्छा है, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की, ये भी अच्छा है, टीचर से मिल लिए हैं, अच्छा लगे हैं, रिजल्ट भी अच्छा है, पता लगता है बच्चे का, रिपोर्ट भी अच्छी है, प्रोग्रेस भी अच्छे कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। आप बताइए मैडम, क्या कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर के? स्कूल अच्छा है सर। बढ़िया स्कूल है? हाँ बढ़िया स्कूल है, बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बोलने में भी हुआ है, हर कुछ ही हुआ है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ? मेरे तो 2 पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्कूलों से अलग कुछ यहाँ पे माहौल दिखाई दिया आपको? पहले पढ़ते थे उससे तो अलग ही है, गांव में चेंजमेंट भी हुआ है स्कूल में, टीचर्स वगैरह बता रहे अच्छी एक्टिविटी, बच्चों में तो हुआ ही है, अब टीचर्स का तो मेरे को नहीं पता। टीचर के साथ साथ तो बच्चों का ही होता है ना? हाँ, बच्चों का तो है, इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। अच्छा, ठीक है। मैडम क्या कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर के, कैसी व्यवस्थाएं लगी हैं? आप जैसे आज पीटीएम में आए हैं, बच्चों से को भी टीचर से भी मिले हैं, कैसा लगा? सर अच्छी व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे पीटीएम में हमें लेके आए हैं टीचर्स के पास ना, ठीक है, बढ़िया है। तो क्या सोच के स्कूल में डाला था बच्चों को आपने? सर अच्छा फ्यूचर हो बच्चे का, बेटर फ्यूचर के लिए डाला था, और कोशिश टीचर्स की भी जारी है और हम भी अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है कर रहे हैं। घर से भी तो स्पोर्ट सही है, अकेला स्कूल थोड़ी बच्चे को बनाता है ना। स्कूल में तो बच्चे हमने देखे आरपीएस के भी ऐसे ही घूमते हैं और ये छोटे से छोटे स्कूल के भी आईएएस बन जाते हैं ना। ओनली स्कूल ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चा क्या बनेगा, मगर कुल मिला के अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। फैसिलिटी, स्टाफ वगैरह सब? हाँ जी सब अच्छा है, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, कोई। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? मेरा एक गुड़िया ही। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने अभी टीचर्स से बात करी है, कैसा लगा यहाँ? टीचरों से हमें बात की है, टीचरों ने हमें संतुष्ट भी किया है कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है और बच्चे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, और पहले मेरे बच्चे शुरू स्कूल में जाते थे उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अच्छी मैनेजमेंट है? अच्छी मैनेजमेंट हो रही है, बढ़िया काम करवा रहे हैं, अनुशासन भी बढ़िया है बच्चों में, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी गुड़िया तो 9th क्लास में पढ़ती है और लड़का 6th क्लास में। तो मतलब काफी अच्छा बिहेव है? हाँ बिल्कुल 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 सही है, अच्छी है, बिल्कुल व्यवस्था अच्छी है सर। पीटीएम में आने का कुछ फायदा हुआ? पीटीएम में अभी से तो मैडमों से मिल रहे हैं, टीचरों से मिल रहे हैं, और उससे डिस्कस करके फिर निर्णय लिया जाएगा। बोला प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक? हाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे जिनसे आज मिले हो टीचर से, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जाना है, कैसा लगा? नहीं सर अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छा है, पढ़ने में शुरू से यही आ रहा है तो अच्छे है, प्रोग्रेस 6 साल से सर यही आ रहा है, यूकेजी से यही आ रहा है।
टीचर से मिले हो, क्या मतलब कोई कमियां बताई बच्चों की? नहीं सर, अच्छे नंबर हैं, बस थोड़ा बोलने में ही ज्यादा बोलता है और सब सही है। पढ़ाई में अच्छा? पढ़ाई में अच्छा है सर, 99 कुछ है, अच्छी परसेंटेज है सर। कहाँ से आते हैं बच्चे? बैरावा से सर। बैरावा, हाँ जी सर। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे टीचर्स लगातार मेहनत करते हैं और आज ये आपको जो इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए पीटीएम को लाया गया है, कैसा? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ से जो टीचर हैं वो बहुत मेहनत करवाते हैं, मेरे बच्चे की अच्छी परसेंटेज है, 99% आई है, अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बढ़िया स्कूल है। हाँ अच्छी स्कूल है, बहुत ही बढ़िया, शुरू से यहीं आ रहा मेरा बच्चा। नमस्ते मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज जैसे टीचर्स से मिले हैं, बच्चों की जो रिजल्ट के बारे में काफी अच्छा रहा है, हम टीचर से मिले हैं और स्कूल में भी मतलब माहौल अच्छा है स्कूल का भी, और टीचर काफी मतलब अच्छे हैं, बातचीत की हमने और बच्चे भी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस कर रहे हैं मतलब औरों से काफी बेटर स्कूल लग रहा है। बिल्कुल, पहले पीटीएम में आने से कुछ फायदा होता है? हाँ काफी फायदा होता है हमें, जैसे बच्चों जैसे टीचर भी बताते हैं बच्चों के बारे में और हमें भी बताना पड़ता है, मतलब कि घर पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मतलब काफी अच्छा है। तीन बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी तीन बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा क्या नाम आपका? ज्योति। कौन सी क्लास में? नाइन्थ। तो कैसा लग रहा है, रिजल्ट कैसा आया आपकी बार? रिजल्ट मेरा अच्छा आया है आपकी बार। मैं अभी टेस्ट हुए थे अभी। हाँ। कितना परसेंट बना है? 91.4। तो कुछ अभी आज कुछ बात हुई है टीचर से, कुछ कमियां लगी, कुछ सुधार करने की जरूरत है? यस, और भी पढ़ना है अभी। स्कूल कैसा लग रहा है, कितने सालों से मैं अभी न्यू आई थी साल ही, और जिसमें मैं पहले पढ़ती थी उससे ये स्कूल काफी अच्छा है। पहले किसी दूसरे में पढ़ते थे उससे बेस्ट है? यस। क्या कहना चाहोगे बेटा? ये स्कूल बहुत अच्छा है। बढ़िया स्कूल है? बढ़िया स्कूल है यहाँ पे। यस सर। अच्छा मन लगता है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम जी विलेज निहालपुरा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है? यहाँ पर। तो क्या सोच करके आपने अपने बच्चों को यहाँ पे डाला था? हमने तो सर इसके भविष्य अच्छा बने, स्कूल में अच्छी, इसके बारे में अच्छा सोचा था, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, इस करके यहाँ डाला। जो सोचा था वो हो रहा है स्कूल के? हाँ हो रहा है सर। अच्छा बेस्ट स्कूल में मतलब ये है? हाँ स्कूल में अच्छा पढ़ाई अच्छा हो रहा है। पढ़ाई अच्छी। तो अभी टीचर्स से मिले हो? मिले हैं सर। क्या क्या बोले टीचर्स ने? हमको गाइड किया है कि बच्चे का थोड़ा ध्यान करो, अगर नहीं आता तो हमसे आगे मिलो और बताओ कोई कमी है तो हम दोबारा हमसे पढ़ना इसको। पीटीएम में आने से कुछ प्रोग्रेस के बारे में पता लगता? हाँ कुछ पता लगता है सर इसके बारे में कि कमजोर किस चीज़ में कमजोर है, तो जिसमें कमजोर है उसके बारे में बताया है, उसके भी कोशिश भाई करो इसको और थोड़ा सा अच्छा करेगा, नहीं आता तो हमसे एक्स्ट्रा आकर के क्लास लूँगी मैं, मेरे से बात करो। बेटा क्या नाम आपका? नीरज। नीरज राजस्थान से आते हैं? राजस्थान से हरियाणा में मतलब क्यों चुना आपने ये स्कूल, क्यों चुना? सर यहाँ की फैसिलिटीज बढ़िया हैं, टीचर बढ़िया हैं यहाँ की और सब समझ में आता है। ऐसा तो नहीं है कि खाली नाम नाम सुना था? नहीं नहीं नहीं, रियल में भी कुछ है? हाँ रियल में है सर। तो टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। देखिए श्री कृष्णा स्कूल में जिस तरह से पीटीएम का आयोजन हुआ और काफ़ी अभिभावक गण जो है हमने आपसे बातें करवाई, उन्होंने कहा है कि स्कूल का जो सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, एक पीटीएम का आयोजन किया गया और लगातार जो है इस तरह के पीटीएम के और इस तरह के जो टीचर्स से और पेरेंट्स की जो मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, कुछ कमियां होती हैं उसको सुधारने की कोशिश की जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस लगातार इस तरह के कार्यक्रम? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल का जो है वो धन्यवाद करता हूं कि आप स्कूल में आप आए, और इसके बाद जो पीटीएम का जो आयोजन है यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस के लिए हमें टाइम टू टाइम पीटीएम रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा किसी विशेष सब्जेक्ट में काफ़ी मतलब जो है बहुत अच्छा रहता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब इस समय अभिभावक के साथ हम एक डिस्कस करते हैं कि कहाँ कमी रह गई, क्या उस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है या कोई और कहीं। बच्चा काफ़ी बार क्या करता है, घर के अंदर हम देखते रहते हैं कि मोबाइल्स हैं टीवीज हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा यूज़ करता है, तो उससे अभिभावक हमारे पास आता है तो वो हमें बताता है, और अभिभावक से भी हम मतलब ये एक छोटा सा मानते हैं कि अगर उनका एक सहयोग है ये कि बच्चा घर पे कितने टाइम पढ़ाई करता है, कितने घंटे जो है वो रिटर्न काम करता है, कितने घंटे जो है वो और अदर एक्टिविटीज़ में देता है, कुछ एक्टिव छोटे बच्चों के लिए जैसे एक्टिविटी के भी हमारे पास पीरियड लगे रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास चलती रहती हैं,
कि उसके अंदर कितने बच्चे जैसे उसको उसका अपने पास जो से उसका वो बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हम बैठते रहते हैं। और आज हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स आए हैं, कंप्लेंट्स भी आई हैं, तो इसके बाद जब हमारे पास अब नेक्स्ट अपन लगेंगे तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेज है, कोई बच्चा विशेष सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक है उसको दोबारा से करवाना है। अच्छा, इसमें क्या रहता है सैनी साहब कि बच्चा काफ़ी बार क्या हमें खुल के नहीं बताता कि उसकी जो कमियाँ होती है ना वो किसी विशेष सब्जेक्ट में है या किसी और में है, तो वो क्या करता है हमें खुल के नहीं बताता। आज पेरेंट्स बच्चे के साथ आते हैं ना, तो वो पेरेंट्स जो चीज़ हमारे जो जहाँ उसकी जो कमी है वो बताता है और हम उसको नोट करते हैं। बाकायदा जब हम शाम को एक पूरी समराइज करके और जो पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स आई है वो टीचर के साथ एक मीटिंग करके, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करके और उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। और नेक्स्ट वीक के अंदर हमने पेरेंट्स को उनको दोबारा से रिकॉल करके बताएंगे कि आपकी जो कंप्लेंट्स थी वो दूर हो चुकी हैं। तो इसलिए हम टाइम टू टाइम ये करते रहते हैं। बीच में भी हमारे पास जैसे कोई पेरेंट्स जो बच्चों की हम भी देखते रहते हैं कि इस सब्जेक्ट में अगर विशेष उसको ज़रूरत है तो पेरेंट्स को भी कहते हैं, बच्चे को भी मोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि बगैर पीटीएम के बच्चा जो है वो अपना गोल 100% अचीव नहीं कर सकता। क्यों? इसका बस यही रहता है कि कुछ बच्चे साइड टाइप्स हैं, गर्ल्स हैं जैसे, वो खुल के हमें नहीं बताती। तो हमें हमारा काम ये है कि आज पीटीएम का मेन उद्देश्य ये होता है कि पेरेंट्स हमें बताए और हम जिस बच्चे की जो आज टाइम है अभी भी टाइम रहते हैं उसकी वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो सोल्व कर दें। और मैं दोबारा से आपका इस परिसर में पूरे श्री कृष्णा परिवार की तरफ से आपका और आपके परिवार चैनल्स का जो है ना वो धन्यवाद कर। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री कृष्णा स्कूल के पीआरओ सुधीर यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि पीटीएम करवाने का फ़ायदा क्या है, किस तरह से क्या इसकी पूरी तैयारियां करवाई जाती हैं, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स से हमने बातचीत करी है और यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे भी हमने आपको मिलवाया। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ये पीटीएम का आयोजन लगातार हम देखते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा मिलता है? कृष्ण सैनी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। इसमें पेरेंट्स और टीचर उनका आपसी वार्तालाप होता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में टीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स को अवगत कराते हैं, जो भी कमियां होती हैं, बच्चे की कमी होती है या और कहीं किसी भी प्रकार की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने का एक मौका मिलता है। पेरेंट्स अपने सुझाव देते हैं, हम उनको लागू भी करते हैं। और पीटीएम का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि टीचर और पेरेंट्स आपस में आमने सामने हों, वो अपने जो भी सुझाव हैं वो रखें, बच्चे की कुछ कमियां हैं उनको हम पेरेंट्स को बताते हैं और उनको पूरा अच्छे तरीके से सही करने का प्रयास करते हैं। कहीं मतलब ये भी देखने को मिलता है कि जो बच्चों में वीकनेस होती है कहीं ना कहीं रिजल्ट डाउन हो जाता है, तो इससे पीटीएम के माध्यम से कोई बीच की जो दूरियां हैं, अभी क्या बच्चे में कोई कमियां हैं, कहाँ पे वो गेम ज़्यादा खेलता है, घर पे क्या करता है क्या नहीं करता है, होमवर्क वो कर पाता है नहीं कर पाता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं इस पीटीएम के माध्यम से काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कृष्ण जी। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चे के बारे में पेरेंट्स को बताते हैं सारी चीज़ें, पेरेंट्स भी टीचर्स को बताते हैं कि बच्चे का घर में बिहेव कैसा है, बच्चा कितने टाइम पढ़ता है, बच्चा कितना काम कर पाता है, वो सारी चीज़ें टीचर्स को बताई जाती हैं। और स्कूल का भी जो बच्चे की जो कमियां होती हैं हम पेरेंट्स को बताते हैं कि भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें ताकि बच्चा अच्छे से रन कर जाए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो आज हम श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर पीटीएम का आयोजन किया गया, जैसे कि आपने सुधीर सर को बताया कि तो टीचर्स और अभिभावक जो हैं आपस में जो तालमेल होता है और बच्चों का कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे बच्चा डाउन जा रहा है उसको लेकर के, बच्चों के रिजल्ट को लेकर के भी बातचीत होती है और कहीं जो कमियाँ होती हैं बच्चों को लेकर के वो कमियाँ यहाँ पे इस पीटीएम के माध्यम से क्लियर की जाती हैं, जिससे कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ सके, बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो सके। ये लगातार इस तरह की पीटीएम का आयोजन यहाँ पे करवाया जाता है और हम पहले भी काफ़ी स्कूलों में गए हैं और काफ़ी पेरेंट्स से भी बातचीत करी और काफ़ी अभिभावक जो आए यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल है और स्कूलों से कहीं ना कहीं बेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ की जो अचीवमेंट है, यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं और स्कूलों से बेहतर दिखाई देते हैं, तो तभी लोगों का भी विश्वास इस स्कूल पर बनता चला जा रहा है।
तो आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।